नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज मैं भागलपुर के सुंदरवन में मौजूद हूं और 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक भारतीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसको लेकर सुंदरवन में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसको लेकर हमारे बीच जो है वन्य से जुड़े, जितने वन संरक्षण से जुड़े जो भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ हो रहा है आज? आज जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। एक्चुअली आज डॉल्फिन डे भी है, तो यहाँ वन विभाग में इसका सेलिब्रेशन चल रहा है। हर साल यहाँ पर इसमें होता है। दो से आठ अक्टूबर के बीच में जो है एक्चुअली मेन मकसद होता है लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो, ज्यादा बेटर है, यही चीज होता है यहाँ पे। अभी तक लोग जागरूक नहीं है पर्यावरण के प्रति? हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से काफी कर ही रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, भागलपुर में अब देखा जा रहा है कि बड़े गरुड़ भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे कि हम लोगों को गांव के यानी कि महिला लोग हैं, हम लोग को यानी गरुड़ का निरीक्षण करने के लिए दिया गया है। पहले तो हम लोग घर से बाहर नहीं जाते थे और अभी गरुड़ का निरीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि गरुड़ महाराज जो है एक तो हमारे भगवान के अति रूप होते हैं और दूसरी बात है कि गरुड़ जो है वो जो पंख फैलाती है तो उससे वातावरण साफ होता है हमारा, जिससे हम स्वच्छ यानी सांस ले सके। और तीसरी बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों का कदुआ यानी तीसरा स्थान है, जो पूरे यानी विश्व में तीसरा स्थान आया एक गरुड़ के वजह से हम लोग का कदुआ का नाम ऊपर गया है। आज क्या कुछ यहाँ पे बताया गया? यही कि गरुड़ के यानी कि देख रेख बढ़िया से कीजिए और उसके यानी स्तर पे हम लोग अपना जो जहाँ है जागरूकता अभियान चलाया है। यानी आपस में हम लोग सब लोग कहते हैं महिला लोग को कि अगर कोई ऐसा बात यानी खबर पता चले तो हम लोग आगे यानी कि यहाँ पे बताते हैं डीएफओ सर। हर साल सुंदरवन में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, कितना जरूरी है ये अवेयरनेस लोगों के बीच में? इतना जरूरी है कि लोग जान सके कि पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। पेड़ लगातार कट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों बारिश की वजह से प्रदूषण लेवल नीचे आया है, नहीं तो प्रदूषित पूरा शहर प्रदूषित हुआ था। और हम लोग लगातार वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं और हम लोग गंगा प्रहरी भी हैं, हम लोग गंगा को साफ करने का भी काम करते हैं। अच्छा, गंगा के तट पर बसा है भागलपुर और गंगे डॉल्फिन का भी क्षेत्र है, डॉल्फिन के लिए क्या कुछ किया जाए? बिल्कुल, गंगे डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसके संरक्षण में हम लोग जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डॉल्फिन मित्रास का एक दल गठित किया गया जो कि मॉनिटरिंग करता है, कहीं पर कुछ अगर हादसा हो गया इस तरीके से तो वो मॉनिटर करता है। प्लस हम लोग भी गंगा प्रेरीज है और हम लोग उसके कंजर्वेशन में काम करते हैं और मेनली लोग समुदाय से आधारित संरक्षित, मतलब कि समुदाय को जोड़ते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मछुआरे लोग को जोड़ते हैं, उन लोग को आजीविका से जोड़ते हैं ताकि आजीविका और संरक्षण एक साथ चलता रहे। अच्छा, कोरोना महामारी के बाद हम लोगों के बीच जो वन है, पर्यावरण है, सबका महत्व तो पता चला हम लोगों को, तो अब कितना संरक्षण करना है इसका जरूरी? बिल्कुल, देखिए वन नेचर है, वन है तभी हम लोग हैं, सिंपल सा बात है, जंगल है तभी हम लोग हैं। ये अभी इसका महत्व आपको पता चला होगा क्योंकि पेड़ पौधे क्या रात में भी ऑक्सीजन देते हैं और ये अभी से लोग इंडोर प्लांट्स के प्रति बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो लोगों को नेचर का महत्व समझ में आ रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सूचना लोगों तक जाए कि कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, अभी पर्यावरण संरक्षण बहुत अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, वन्य संरक्षण सप्ताह चल रहा है, क्या कुछ सीखा है यहाँ पर? वन्य संरक्षण सप्ताह में यहाँ पे जितने जलीय जीव है या वन्य जीव है, जितने भी हम लोग को जागरूकता है कि किस तरह से ये जागरूकता हो सके आगे दिन जो आने वाले जैसे दिन है उनमें, हम लोग को जितने भी वन्य जीव है उनको संरक्षण, हम लोग सभी को हाथ से हाथ मिलाकर संरक्षण सर बोले कि संरक्षण करना बहुत जरूरी आज की डेट में। अच्छा, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है देख रहे हैं पूरे भारत में, तो ऐसे में वनों का संरक्षण और वन्य जीव का संरक्षण कितना आवश्यक है? बस आप वही बोल रहे हैं, जितना कि हमारे जीवन को जीने के लिए भोजन का जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये पर्यावरण। तो अभी जैसे कोविड का बात किए, कोविड को बीतने के बाद इंसान को एक पता चलने लगा कि क्या महत्व है इन चीज़ों का, उससे पहले वो कुछ नहीं जानते थे, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद अब नॉर्मल आप ग्राउंड लेवल पे देखिए तो हर लोग अपने घर में 2-4 पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया है और हम लोग का कुछ कुछ कैंपिंग भी हुआ जिसमें कि पेड़ लगा के और उस पेड़ को किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया गया कि आप इसको एकदम इसका पालन करिएगा, ये आपके बच्चे की तरह है। बस मेरा यही संदेश है कि आप जितना जरूरी आपके लिए खाना है उतना ही जरूरी ये पर्यावरण में सब कुछ है और आप इसका देखभाल करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। देश भर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है और इसको लेकर आज भागलपुर के सुंदरवन में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया और लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाई गई कि आप लोगों वन को भी संरक्षित करें और वन्य जीव को भी संरक्षित करें। भागलपुर से टीवी 9 डिजिटल के लिए मैं शिवम।